मुझे मुज़ाकरात का कुछ नहीं पता, मैं तो लॉन्ग मार्च का इंतज़ार कर रहा हूँ। मुज़ाकरात का ना मुझे पता है ना मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। सर जी, राणा साहब की अपनी बड़ी लीग्स मौजूद हैं हमारे पास। एक्चुअली उनकी सियासत खत्म हो चुकी, अब इलेक्शन होता है तो इनके पास टिकट लेने वाला कोई नहीं। रेंजर्स के बारे में सवालिया निशान है। हुकूमत टूटने के बाद ना एस्टेब्लिशमेंट से मेरा रब्ता है, ना मुझे किसी ने कोई धमकी दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। करंट एनएन के साथ मैं खुशाकिर अनवर ज़ैब और इस वक्त लाल हवेली में मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद है साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब। सबसे पहले शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे वक्त दिया। शेख साहब, मुझे ये बताइएगा कि मुज़ाकरात की खबरें आ रही है कि मुज़ाकरात होंगे, तो क्या हो सकता है, ऐसा मुमकिन है कि मुज़ाकरात हो जाएं? मुझे नहीं पता, मुझे मुज़ाकरात का कुछ नहीं पता, मैं तो लॉन्ग मार्च का इंतज़ार कर रहा हूँ और लॉन्ग मार्च के लिए हमने अभी मीटिंग की है। मुज़ाकरात का ना मुझे पता है ना मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, सो मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, खान साहब कितने पर उम्मीद है सर इस लॉन्ग मार्च की? इंशाल्लाह ताला अल्लाह फतेह देगा। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। शेख रशीद साहब से हमने बातचीत की, अभी बाहर जाते हैं, बाहर कुछ लोग भी हैं उनसे भी बात करेंगे। जी बिल्कुल, ये बाहर मैं अभी आ गया हूँ। शेख रशीद साहब ने मैंने एक ही सवाल पूछा है तो उन्होंने जवाब मुझे दे दिया था। ये यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं मेरे साथ, इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? ठीक है आप? जी भाई साहब, भाईजान के क्या समझते हैं, लॉन्ग मार्च कामयाब हो जाएगा? सर लॉन्ग मार्च क्यों, आप क्या समझते हैं, आप बताएं। मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम सवाल पूछना। नहीं, आप आवाम भी तो है ना। आवाम से सवाल पूछता हूँ। हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं सर जी। आज आपने ये तकरीब देखी है लाल हवेली में, आपने अंदाज़ा लगाया किस शौक से और किस जज्बे से लोग आए हैं? तो ऑडियो लीक किया है राणा सनावला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ये अली अमीन गेंडापुर के मुतालिक के बंदे लाओ असला लाओ, क्या क्या सीन है इसका? सर जी, राणा साहब की अपनी बड़ी लीग्स मौजूद हैं हमारे पास, क़यादत के पास। ठीक है, और इंशाल्लाह अली अमीन साहब ने भी फैसला किया है कि अदालत में जाएंगे वो इसके खिलाफ। कौमों की तारीख में ऐसे वक्त आते हैं जब जोश में होश को साथ रखते हुए उस जिद्दोजहद का हिस्सा बनना पड़ता है, और इंशाल्लाह ताला अगर मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ तो रावलपिंडी इमरान खान के लॉन्ग मार्च में आईनी कानूनी और अमन के जराये से अपना एक तारीखी किरदार अदा करेगा। ये जिएगा और मरेगा रावलपिंडी में, ऐसी आगे भी हमारी गली में 6 नवंबर 1968 को भी शहीद आए, फिर 9 नवंबर को भी, 6 नवंबर के बाद मेरी तारीख पैदाइश है इसलिए मुझे ज्यादा मौके आते हैं, फिर 9 नवंबर को भी शहीद आए, और फिर अनवारी और शादा भाई और जावेद, ये भी 3 शहीद जो है मेरे साथ हमले में शहीद हुए। सो हमारी एक दास्तान है, हम जान देना जानते हैं लेना नहीं जानते। जी जी सती साहब, छोटा छोटा सवाल। एक्चुअली उनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है, अब इलेक्शन होता है तो इनके पास टिकट लेने वाला कोई नहीं, इनकी जमानतें जब्त हो गई थी। ये फैसला जो है हम किसी फौज से टकराना नहीं चाहते। 25 मई को जो कुछ रेंजर्स का हुआ वो अफसोसनाक है। अब अजहर बका साहब मेरे भाइयों की तरह बिल्कुल भाई है, उनको मैं बराह रास्त ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये लोग इमारतों पर रहें, ये हमारी फोर्सेज हैं। FIA के जो FC का पिछली दफ़ा 25 मई को रोल कोई बुरा नहीं था, उन्होंने बच्चों औरतों की पानी भी पिलाया और ख्याल भी रखा, लेकिन रेंजर्स के बारे में सवालिया निशान है। और मैं अजहर बका साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये बड़े अरसे से इस्लामाबाद के CDA के रेस्ट हाउसों में बैठे हुए हैं, सारे रेस्ट हाउसेज इनके पास हैं, ये अब भी इमारतों में रहें और इमारतों की छोटा सवाल करूँगा यार, मेरे पास 2 मिनट। जो मर्जी करें लोग जाएंगे, हम उन्हीं के लिए निकल रहे हैं, हम उन्हीं के लिए निकल रहे हैं जिनका बिजली का बिल नहीं है, बच्चों की फीस नहीं है, घर का किराया नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते, उन लोगों के लिए निकल रहे हैं। शेख साहब, लास्ट शेख साहब, अगर धरना खत्म करने के लिए डेट दी जाती है, शेख साहब मुझे नहीं पता, जो वो फैसला करेगा उस पर पैरा। शेख साहब, अगर धरना खत्म करने के लिए डेट दी जाती है तो आपको? मैं जानी जरूर, आप जानते हैं मैं कई सालों से झूठ नहीं बोल रहा। हुकूमत टूटने से एक दिन पहले शायद मेरी बातचीत हुई, उस वक्त हुकूमत नहीं टूटी,
हुकूमत टूटने के बाद ना एस्टेब्लिशमेंट से मेरा रब्ता है और मैं उनका मशकूर हूँ, ना उन्होंने रब्ता किया, ना मुझे किसी ने कोई धमकी दी, ना मुझे कोई फोन कॉल आई। शेख साहब, मैं उनका तह दिल से मशकूर हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे साथ कोई बुरा रवैया नहीं रखा, लेकिन मेरा ना रब्ता है, ना मुज़ाकरात का, ना बातचीत का, ना टेलीफोन। शेख साहब, अगर धरना खत्म करने के लिए डेट दी जाती है तो आपको कबूल होगी? मैं वो कबूल करूँगा जो इमरान खान फैसला करेगा।